हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार कोल्हापुरी फिशिंग लाइफ में। मेरा नाम है शाहरुख और पिछली बार मैंने वीडियो अपलोड किया था कि पॉपअप कैसे बंधे, कैसे बनाए, तो वापस से एक बार फिर से उसको अपलोड करने जा रहा हूँ और वापस से उसको एक अच्छे टेक्निक से समझाने की कोशिश करूँगा। पिछली बार भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, कम से कम 10 दिन हो गए उसको, तो वापस से एक बार सोचा कि वापस एक बार उस पर क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो एंड तक वीडियो पे बने रहे और वीडियो को एंड तक देखे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये तो फिडर अपना स्प्रिंग, पहले तो ये भी लाया हुआ है मैंने, और ये अपना पॉपअप 10 mm वाइट और ऑरेंज कलर, और ये अपनी ओरिंग, ये देख सकते हो, ये स्टॉपर, और मेन चीज ये हुक है, हाउस का हुक है ये। इसका साइज भी दिखाता हूँ मैं आपको, 4 नंबर साइज। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों ये ब्रेडेड लेंथ चाहिए होगी अपने को, ये देख सकते हो आप, कम से कम 21 इंच देख सकते हो आप। तो इसको क्या करेंगे, डबल कर लेंगे पहले, तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी, स्ट्रांग, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, फंदा बना लेंगे, ये देख सकते हो आप। फिर क्या करेंगे, स्टॉपर, अपना स्टॉपर ऐड करेंगे, आपने जो बस फंदा बनाया है उसमें स्टॉपर को ऐड करना है, ये देख सकते हो। फिर इसमें क्या करेंगे, अपना बॉल ऐड करेंगे, फिर इसमें डालेंगे ओरिंग। मैं ज्यादा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ज्यादा टाइम वेस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, ओरिंग डालेंगे, ओरिंग देख सकते हो आप। चलिए उसको भी ऐड करेंगे, ये देख देख सकते हो आप। तो मेन काम यही से स्टार्ट होता है, ये देख सकते हो आप, इसको लूज नहीं पड़ने देना है। तो इसको क्या करेंगे, टाइट बना लेंगे और ये ऐसे करेंगे और इसको ऐसे फिरा के एक गांठ मार देंगे, ये देख सकते हो आप। तो इसको वापस से क्या करना है, और एक दो गांठ मार लेनी है अपने को, क्योंकि समझो अगर मछली लग गई हुकअप की वजह से लूज ना हो जाए, ये हो गया। फिर इसको गल लगाएंगे, गल देख सकते हो आप, अब उसका 4 नंबर हुक है, उसका शेप भी बताता हूँ मैं, ये देख सकते हो आप साइज। अब इसको ऐड करेंगे, आगे की प्रोसेस देखिए दोस्तों। ये सब बना लेने के बाद इसको हम गल में ऐड करेंगे ओरिंग, तो ये अपना पॉपअप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये देख सकते हो आप। इस पोजीशन में आना चाहिए इसको, इसको क्या करेंगे वापस से हम लोगों को क्या करना है, पहले तो इसमें से घुमा लेना है, फिर क्या करेंगे 7 से 8 बार इसको घुमा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसको क्या करेंगे वापस से, यहाँ से वापस से घुमा लेंगे इसको, ये देख सकते हो। तो इसको क्या करेंगे, 3 इंच की दूरी पे गार्ड मार लेंगे ऊपर से, तो इसको क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये देख सकते हो दोस्तों। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के बचा हुआ तो जो जो दोरा है अपना, इसमें से 2-3 बार
एक दो गांठ मार लेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ दोरा है ना माचिस के सहारे, इसको क्या करेंगे, माचिस के सहारे जला लेंगे। ज़्यादा भी जलने नहीं देना इसको, ये देख सकते हो। और इसमें क्या करेंगे, ये वेट होता है, वेट जो इसको मराठी में या हिंदी में शीश बोलते हैं, हमारे यहाँ भी शीश ही बोलते हैं इसको। तो ये क्या करना है, अपने हिसाब से इसको ऐड करना है। तो इसको मैंने पहले से कट करके लिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसमें भी आपको मैं ऐड करके बताऊंगा। ये देख सकते हो आप, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा अपना पॉपअप बन के रेडी है। और इसको अभी आपको मैं इसका लाइव डेमो दिखाऊंगा। ये देख सकते हो आप, पानी में डालने के बाद अभी ये तैरेगा, देख सकते हो आप, आपके सामने लाइव डेमो है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। पॉपअप कैसे बनाए, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी में शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।